राजधानी फर्स्ट एसी में कोप रूम यानी कि कपल रूम कैसे बुक कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन करना है, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को फर्म स्टेशन, टू स्टेशन, इसके बाद कोटा, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। तो मैं फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्म स्टेशन, टू स्टेशन, डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लिया। कोटा यहाँ पे आपको जनरल ही रहने देना है। इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद राजधानी है तो यहाँ फर्स्ट एसी में आप कोप रूम बुक कर सकते हैं। तो सिंपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ देख सकते हैं 13 सीट अवेलेबल है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, इसका ओके पे क्लिक करेंगे। जब आप टिकट बुक करेंगे तो एक बात को ध्यान रखना है, जब आप कोप रूम यानी कि कपल सीट बुक करना चाहते हैं तो आपको एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए, तभी आप लोगों का जब चार्ट प्रिपेड होगा तो आपका कोप रूम अलॉट होगा। इस बात को ध्यान रखना है। सिंपल मैं 2 पैसेंजर का सेलेक्ट करता हूँ, 4 आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अगर 4 सेलेक्ट करते हैं तो आपका कोप रूम बुक नहीं होगा जब चार्ट प्रिपेड होगा। तो सिंपल इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ, ओके पे क्लिक किया हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं डिटेल सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है बुकिंग के दौरान जब आप पैसेंजर डिटेल फिल करेंगे तो आप लोगों का बर्थ में आप लोगों को यहाँ पे कोप सेलेक्ट करना है, तभी आप लोगों को जब चार्ट प्रिपेड होगा तो कोप रूम अलाउड होगा। यदि कैबिन सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को अलाउड नहीं होना, तो इस बात को ध्यान रखना। लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो मैं दोनों का सेम कर लेता हूँ। बर्थ में यानी कि कोप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बुक टिकट, इसके बाद सिंपल रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 13 सीट बचा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हमें कैप्चर फिल करना है। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करना है, इसके यस पे क्लिक करना है। फाइनली आप पेमेंट ऑप्शन पे आ चुके हैं। अब पेमेंट करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जब टिकट मिलेगा यानी कि PNR मिलेगा तो यहाँ पे टिकट तो कंफर्म होगा, बट लेकिन सीट नंबर आपको अलॉट नहीं होगा। इस समय ये जो सीट नंबर जो होता है अलॉट, चार्ट बनते समय यानी कि ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले आपको सीट नंबर मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बुकिंग के दौरान आपको बस एक बात को ध्यान रखना है, यदि आप मेल फीमेल है और एक साथ 2 टिकट बुक करते हैं तो आपको कोप रूम यानी कि कपल रूम मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि आप 3 से 4 पैसेंजर एक साथ बुक करेंगे तो आप लोगों को केबिन मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। बस आज की वीडियो बस इतना है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।